15 अप्रैल 1969 यूएस का EC-121 स्पाई प्लेन जापान के समुद्री इलाके में जासूसी कर रहा था। जब नॉर्थ कोरिया को इसकी भनक लगी तो उसने अपने MiG-21 फाइटर जेट्स को रवाना कर दिया। कुछ ही देर बाद MiG-21 ने EC-121 को मार गिराया। अब इसकी खबर यूएस के नए नवेले प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को दी गई। तिलमिलाया निक्सन ने नॉर्थ कोरिया पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग के आदेश दे दिए। साउथ कोरिया और यूएस की म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के तहत एयरफोर्स पायलट ब्रूस चार्ल्स कसान एयरबेस पर तैनात थे। चार्ल्स को नॉर्थ कोरिया पर एक 330 किलो टन न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का जिम्मा सौंप दिया गया। लेकिन इससे पहले के कोई अनहोनी होती, प्रेसिडेंट निक्सन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर ने जॉइंट चीफ स्टाफ को रोक दिया। हेनरी ने सबको समझाया कि प्रेसिडेंट अभी शराब के नशे में है और कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंथनी समर्स की द एरोगेंस ऑफ पावर किताब के अनुसार हेनरी का मानना था कि प्रेसिडेंट निक्सन बार बार सोवियत अलाइज को उकसाते रहते थे। उन्हें बस एक बहाना चाहिए था न्यूक्लियर हमला करने का, और अगर उनका बस चलता तो हर हफ्ते न्यूक्लियर वॉर होती।